हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइपेज एंड अमाइलेज टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ लाइपेज एंड अमाइलेज टेस्ट। सो लाइपेज एंड अमाइलेज टेस्ट जो हैं वो हमारे डाइजेशन सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि लाइपेज ये फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, जबकि अमाइलेज ये तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। तो ये दोनों एंजाइम्स अलग अलग तरीके के बायोमोलिक्यूल्स को, मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके माइक्रो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर ये लाइपेज और अमाइलेज का लेवल हद से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या बताता है। ये लाइपेज और अमाइलेज एंजाइम्स आपके पेट के पीछे एक ग्रंथि होती है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक ग्लैंड होती है, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और वो ग्लैंड का नाम है पैनक्रियास, जिसे हम हिंदी में अग्नाशय भी कहते हैं। तो ये दोनों एंजाइम्स वहाँ से सीक्रेट होते हैं, लेकिन कभी कभी पैनक्रियास में गड़बड़ी की वजह से, या फिर उसमें सूजन की वजह से, या फिर किसी और ख़राबी की वजह से इन लाइपेज और अमाइलेज का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। और इसके सिम्टम्स पेट में दर्द, पीठ में दर्द, बुखार, नौशिया, वॉमिटिंग एंड चक्कर आना, तो ये इनके लक्षण या फिर आप सिम्टम्स इन्हें बोल सकते हैं। अब आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि लाइपेज एंड अमाइलेज का लेवल इतना है, ये रेफरेंस रेंज कहलाता है। एंड इस रेफरेंस रेंज के थ्रू हम पता लगाएंगे कि आपका पैनक्रियास अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। अगर आपके पेशेंट को या फिर आपको बैक पेन, एब्डोमिनल पेन बहुत दिनों से हो रहा है और आपको ना ही भूख लग रही है ना ही प्यास, तो इसके पीछे पैनक्रियास के ख़राब होने की कारण हो सकती है। इसलिए डॉक्टर कुछ दिनों के लिए आपको एसिडिटी की दवा देगा, लेकिन अगर आप उसे ठीक नहीं हुए तो आगे चल के वो ये टेस्ट ज़रूर ही प्रेफर करेगा। इन लाइपेज और अमाइलेज के बढ़ने का कारण अलग अलग हो सकता है, या फिर रीज़न एक ही। ये लाइपेज और अमाइलेज कभी कभी प्रेगनेंसी में भी बढ़ जाते हैं, या फिर और किसी कारणों से भी बढ़ जाते हैं। अगर समझिए कि अगर लाइपेज और अमाइलेज का लेवल इसमें ज़्यादा आता, समझिए कि अमाइलेज का लेवल आता 150 एंड लाइपेज का लेवल आता 200, तो डॉक्टर पेशेंट को एमआरआई करने के लिए भेजना ही पड़ता है। एमआरआई करने से पता चल सकता है कि आपके पैनक्रियास को कितना डैमेज हुआ है और वो अभी कितना सेफ है। पैनक्रियाइटिस ये सीवियर भी हो सकता है, अक्यूट भी हो सकता है और माइल्ड भी हो सकता है। तो जैसी कंडीशन वैसा ट्रीटमेंट। अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि बिना पैनक्रियास के लाइपेज और अमाइलेज सीक्रेट नहीं होंगे और हमारा डाइजेशन सिस्टम पूरा वीक पड़ जाएगा। इसका मतलब जो आप खा रहे हैं नहीं वो पचेगा और न ही उससे हमें शक्ति मिलेगी। तो ये था लाइपेज एंड अमाइलेज का इम्पोर्टेंस। ऐसे ही इम्पोर्टेंट पैथोलॉजी के वीडियोस लेके मैं आपके सामने आते रहूँगा।